ऐसी क्यों देख रही हैं अम्मी? देख रही हूं कि मेरी बेटी कितनी गहरी हो गई है, पता भी नहीं लगने दिया उस लड़के का। तुम्हें भी ये लगता होगा ना कि माँ जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधे पर डाले कहीं तुम्हारी शादी की उम्र ना निकाल दे, इसलिए खुद पसंद करनी। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हर मुश्किल घड़ी में वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है? अब ये मत कहना कि इत्तेफाकन वो हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद को आ जाता है। कंजस अस्पताल तुम मुझे लेकर गई थी, वो अच्छा खासा महका था, मिल भी तगड़ा आया होगा। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, तुम्हारे पैसे तो खत्म हो गए होंगे ना, फिर यकीनन बिल भी उसी ने दिया होगा। जी लेकिन मैं उसे लौटा दूंगी अम्मी। कौन है वो लड़का? कुलीग है तुम्हारा? फिर कैसे जानती हो उसे? इत्तेफाकन मुलाकात हुई थी। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, यकीन करें मेरी बात का। घर आने के लिए कैब मंगवाई थी और बेदेहानी में कैब समझकर उसकी गाड़ी में बैठ गई मैं। सारा मैं माँ हूँ तुम्हारी, झूठ बोलने के बजाय तुम सच सच क्यों नहीं बता देती हो? क्योंकि मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसी शानदार गाड़ियाँ यूं कैब शैब में नहीं चलती। होती है अम्मी, लेकिन उनके रेट भी अच्छे होते हैं। पर मैंने तो बगैर एसी की गाड़ी मंगवाई थी और उस दिन वो भी मामूली सी गाड़ी में आया था। उसके बाद से बहाने बहाने बैंक आता रहता है। कल भी जब फरा का फोन आया तो बस स्टॉप पे मेरे साथ खड़ा था। आपकी तबीयत का सुनकर इतनी परेशान हो गई कि ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ आना पड़ा। जितना सरसरी तुम बता रही हो ना, उतना सरसरी ताल्लुक लगता नहीं है। तालुक एक तरफा नहीं बनाए जाते अम्मी। वो भले ही मुझे पसंद करता लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। अब तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।